करेंगे और अपने अपने घर में करेंगे। तो मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट करता हूँ और आज दिन की जो भी रूटीन होंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं हमारे साथ देखिए तवा हमने चढ़ा दिया है और ये हमारा नॉन स्टिक पैन है और इसको रवा को हमने भिगा के रख दिया था और तेल तवा गर्म हो जाए। और ये देखिए नारियल की चटनी, नारियल क्या था, थोड़ा सा सूखा वाला नारियल था और बाकी मूंगफली और ये चना, आज दालियाँ नहीं थी तो हमने चना का छिलका निकाल के बनाया। और बस ये देखिए उधर बर्तन जूठे रखे हुए हैं। अभी कैसा है, मेरे पैरों में दर्द रहता है ना तो मैं चल नहीं पाती जल्दी जल्दी। शुभांगी को बोली तो अभी लेके नहीं गई, थोड़ी देर में लेके जाएगी, बच्ची है सुनती नहीं है जल्दी। और ये देखिए हमारा चटनी, बस चटनी उटनी बना लिया है, बस वही दूसरा जैसा क्या उत्तपम बना के। ये देखिए टमाटर मिर्ची सांभर और बस यही सब डाला था मैंने। पहला वाला जो रहता है ना तो वो थोड़ा सा निकलने में तकलीफ देता है, बाकी जो बाद में बनाओ ना तो फिर धीरे धीरे ये देखिए निकलना चालू हो जाता है। आज ये बहुत चिपक रहा था वो रवा, कैसा जल्दी फूला नहीं था ना, कम से कम 2 घंटे लगते हैं उसको भिगाए, फिर भी मतलब फिर बाद में बनने लगा। देखिए ये हमारा पलट दिया मैंने, धीरे धीरे करके बनने लगा, नहीं तो बनाते नहीं जम रहा था। ये देखिए, और आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस यही डेली का रूटीन थोड़ा थोड़ा रहता है जो वही सब हो करते। ये देखिए कितना बढ़िया पक गया है, ऊपर से भी और अंदर से नीचे से भी पक गया है। और ये हम निकाल देंगे सुबह के पापा के लिए चटनी, और चटनी देखने में भले थोड़ी सी सांवली सांवली दिख रही है काली काली, बाकी खाने में बहुत टेस्टी थी। और ये हमारा बन गया उत्तपम और ये हेल्दी भी है। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, तो मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट करता हूँ और आज दिन की जो भी रूटीन होंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं हमारे साथ तो गाइस आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, मुझे अच्छा लगे तो लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।